वैसे तो हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हम पहले ही प्यारे हुए थे, बट थोड़ी बहुत करानी होती है ना। वैसे भी उसको खींचे लगनी जिथे थले लगी हुई ना, ऐसे लगी हुई थी थले का थले जिथे पिको करना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल समझ आंदी भी नहीं इथे पाकिस्तान पिको नाल करने नाल ग्लूनी पिको नहीं। इधर बसें नहीं चलती हैं, ट्रेनें नहीं चलती, इधर हमारी अपनी गाड़ियां चलती हैं। सो आई ट्राई टू व्लॉग एवरी डे और मैं रात को एडिट करके पोस्ट भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं कैसे रहती हूँ पाकिस्तान में। बट कुछ लोग ऐसे हैं हमारी फैमिली में लाइक जो अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते, नाम नहीं दिखाना चाहते, अपनी कमर नहीं दिखाना चाहते, वो खुद जो मर्जी करते हैं। लेकिन वही काम अगर हम लोग करेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होती है, लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल आर साइको हियर। सो उनके अलावा पाकिस्तान में व्लॉग करूंगी, लाइक मैं अपना व्लॉग करूंगी, अपने घर वालों का व्लॉग करूंगी, क्योंकि दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ हियर कि पाकिस्तान मक्खिया। सो जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे हमारा पुराना घर था, लाइक हमारा बड़ा घर था, तो उस साइड पे पॉलर है, पार्लर वाला लाइक वो एक हमारी फैमिली फैमिली पॉलर वाली है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसको घर बुलाया था, वो घर नहीं आई क्योंकि मुझे घर से निकलना इतना खास पाकिस्तान में पसंद नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी सो दैट्स इट, सी यू देन, बाय। सो ये हमारा पुराना घर है जो हमारा आबाई घर था, ये वाला और ये ऐसा नहीं था। और ये हमारी घर के सामने बिल्कुल हवेली थी हमारी गाड़ी पार्किंग के लिए, जो कि इट्स नॉट लुकिंग दैट मच गुड। और ये हमारा बड़ा घर है, ऐसी वजह से बंदा जाता को नहीं, कोई भी नहीं है। ये है ना करें पीछे से मेरे थोड़ा सा, ये गली साफ हो गई है, हम अब हमारी वाली गली गंदी हो गई है, हमारी जगह नहीं। ये हमारा बड़ा घर था, अभी भी है, बट मतलब अब हम नहीं रहते, सब अपने अपने घर हो गए अंदर से, ये बहुत बड़ा मतलब बना हुआ है। और आई टोल्ड यू दिस इज आवर हवेली, हवेली अब अंदर से देख लो कैसी है, वो बैठने का नारा है, ये पार्किंग के लिए उधर भी पार्किंग है, ये हमारी सारी पुराने ज़माने की गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम गाड़ियाँ बेचते नहीं हैं, हम रख के उसको खंडर बना देते या ये बाज़ार है, उस गली से बाहर निकलो तो ये बाज़ार है, और इस बाज़ार में हमारी गाड़ी नहीं आती थी, इस वजह से हम लोग सारे के सारे ही फैमिलियाँ अपने अपने घर चली गई। हाँ जी, होगी हमारी टेंटिंग पेंटिंग सारी, क्योंकि यहाँ यूके यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लाजमी होती है, लाइक एवरीवन जो जो देख लो सब बंदे देख लेते हैं गाड़ी के। और हमारे यहाँ पे बिल्कुल रोडें सही नहीं है, बहुत गाड़ी हिलती है हमारी, इतनी हिलती है कि आप तो पुर्जे अंदर से हिल जाते हैं, गुर्दा दिल की जगह आ जाता है, दिल गुर्दे की जगह पे आ जाता है, देख रही है आप, देख रही हैं। बट ये नहीं है कि हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, यहाँ पे सबके हालात ऐसी हैं, सिर्फ शहरों में थोड़े से हालात बेहतर हैं रोड्स के, बट हमारे एरियाज में। सो हियर वी आर वॉचिंग एलईडी एंड वी आर ईटिंग वाटरमेलन। आते साल अभी बाहर से घूम फिर के आए हैं, अभी मामूलों को सरप्राइज देना है, वो लोग आ रहे हैं थोड़ी देर तक, हम पतंग उड़ाने में जा रहे हैं ऊपर अपने ब्रो के साथ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीटे हैं, फिर हम काले हो जाएंगे। या सो मैंने अभी हेयर कट कराया है, इट्स लुक्स गुड ऑन मी, और अब मैं जा रही हूँ पतंग उड़ाने के ऊपर, लेट्स गो। फिर हम लोगों ने जाना है कजन्स के घर मिलने के लिए, क्योंकि मैं आई हूँ इस वजह से। गिरने लगी थी, सबके घर यही हाल होता है। वाओ वाओ, सारी दुनिया पतंग उड़ा रही है, पसंद है भाई पसंद है। यस यस प्लीज, ओ भाई ऐसे उड़ाते हैं पतंग, ऐसे उड़ाते हैं, वो क्या करते हैं डोर को तुम्हारी मैं वो करूं, वो क्या करते हैं
हमारे साथ वालों ने बकरियां रखी हैं छत पे, डोर खत्म हो गई नीचे से। मैं तो पीछे लगाए, मैं तो बच्चा हूँ। That's cool यार, मैं भी उड़ाऊ। कितने पतंग उड़ रहे हैं सामने, देखो ना। पता नहीं मैंने क्या किया, मेरे हाथ कट गया इधर से। नहीं मैंने नहीं पकड़ना, मामूस। उम्र का तकाजा होने भी, मेरे भी तो हुआ, मेरी तो दाढ़ी भी तकाजा है, लेकिन बाद में तभी नमाज शुरू कर दी। आज का नहीं, मुझे सोचना नहीं, मैं मुझे तो मैं खुद ही थोड़े से ले बजी जवाब नहीं है उसे तो हमारी से अब तो खत्म हो गई है। नहीं बाकी पहले सारी सबकी बना ली थी।